तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम और युधिष्ठिर ने कर्ण को सर्वश्रेष्ठ स्वीकारा और उन्होंने कर्ण की बहुत सारा तारीफ की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं युधिष्ठिर के बारे में। तो युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे ज्येष्ठ पांडव थे और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पांडव भी युधिष्ठिर ही थे। वे सत्यवादी थे और धर्मात्मा थे। युधिष्ठिर ने एक बार कहा था कि कर्ण में 10,000 हाथियों का बल है। और जब रंगभूमि में युधिष्ठिर ने कर्ण का पराक्रम देखा और कर्ण का प्रदर्शन देखा तो युधिष्ठिर इतने खुश हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई योद्धा कर्ण के इक्वल नहीं है। कर्ण दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। भले अर्जुन शक्तिशाली है पर कर्ण के सामने कुछ भी नहीं, और कर्ण ही दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। कोई भी योद्धा कर्ण के सामने टिक ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, ऐसा युधिष्ठिर ने ही कहा था। लेकिन आपको एक और बात बता देता हूँ कि कर्ण के ही डर के कारण युधिष्ठिर 13 सालों तक सो ही नहीं पाए थे। क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि कर्ण दुर्योधन की तरफ है, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण की व्रत की थी। तो युधिष्ठिर जानते थे कि युद्ध में भी कर्ण दुर्योधन का साथ देगा। तो युधिष्ठिर कर्ण से इतना डरने लगे थे कि युधिष्ठिर 13 सालों तक सो ही नहीं पाए थे। वे हमेशा ही जब सोते थे तो उनको कर्ण के सपने आते थे। वो कर्ण से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो हर किसी से कर्ण के बारे में पूछते रहते थे। और युधिष्ठिर को ये विश्वास ही नहीं होता था कि कर्ण भी कभी हार सकता है। युधिष्ठिर ने साफ इनकार कर दिया था मानने से कि कर्ण मर गया है। अब बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार थे। उन्होंने एक बार कहा था कि कर्ण सत्यवादी है, कर्ण ब्राह्मणों का सम्मान करता है, कर्ण हमेशा सच बोलता है, कर्ण हमेशा सच का साथ देता है, कर्ण एक धर्मात्मा है, कर्ण एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है, फिर भी वो अपने शत्रुओं पर दया खाता है, इसलिए वो विरजा कहलाता है। और विरजा तो स्वयं भगवान विष्णु का नाम है। और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के धर्म को भगवान विष्णु के नाम से संबोधित किया। इससे आप सोच ही सकते हैं कि कर्ण का धर्म कितना ऊंचा होगा। अगली बात कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की पावर्स के बारे में क्या कहा। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर कर्ण अपने कवच और कुंडलों के साथ युद्ध में आ जाता तो तीनों लोगों के सभी देवी देवता, सभी असुर, सभी गंधर्व, सभी योद्धा भागदत्त, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि अर्जुन अपने गांडीव धनुष को तान करके और खुद श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके इतने सारे लोग एक साथ भी कर्ण से युद्ध कर लेते तो कर्ण अकेला इन सबको हरा देता। ये मैं नहीं कह रहा, खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। और श्री कृष्ण ने एक और बात कही थी कि कर्ण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कर्ण अपने बिना कवच और कुंडल के भी तीनों लोकों में किसी को भी हरा सकता है। तीनों लोकों में सभी देवी देवता आ जाते हैं, त्रिदेव नहीं आते हैं तीनों लोकों में, क्योंकि त्रिदेव तीनों लोकों से परे होते हैं और त्रिदेव ही असली भगवान होते हैं, देवी देवता नहीं। इसलिए भगवान का कंपैरिजन कर्ण से मत करना, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान सबसे शक्तिशाली हैं और कर्ण शक्तिशाली है पर भगवान के बाद। अगली बात कर लेते हैं भगवान परशुराम जी ने कर्ण के बारे में क्या कहा था। भगवान परशुराम स्वयं कर्ण के गुरु थे और वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। तो उनको शस्त्र विद्या और वेदों की विद्या बहुत ही ज्यादा आती थी। आप ये सोच लीजिए कि उनको स्वयं भगवान शिव शंकर ने उनको शिक्षा दी थी, तो उनको कितनी ज्यादा विद्याएं आती होंगी। भगवान परशुराम को भगवान शिव शंकर ने अपनी सभी विद्याएं दे दी थी, जिससे भगवान परशुराम सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। भगवान परशुराम के पास दुनिया के सबसे ज्यादा अस्त्र और शस्त्र थे। भगवान परशुराम के पास तीन सबसे शक्तिशाली धनुष थे, जो था भगवान शिव का पिनाक, भगवान विष्णु का सारांग और भगवान शिव का विजया धनुष। और कर्ण का विजय धनुष भी भगवान परशुराम ने ही दिया था। भगवान परशुराम ने एक बार ये कहा था कि देयर विल नो वन हु इज इक्वल टू कर्ण ऑन द अर्थ, मतलब कि दुनिया का कोई भी योद्धा कर्ण के बराबरी नहीं कर सकता। कर्ण सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है, कर्ण जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, खुद भगवान परशुराम ने कहा था। भगवान परशुराम ने यहाँ पे ये भी कहा था कि कर्ण मेरा सबसे शक्तिशाली शिष्य है, भीष्म और द्रोण से भी ज्यादा। और भगवान परशुराम ने इसीलिए अपने सभी अस्त्र शस्त्र सिर्फ और सिर्फ कर्ण को दिए थे। उन्होंने द्रोणाचार्य को दो विद्याएं सिखाई थी और कुछ अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, और उन्होंने भीष्म को युद्ध लड़ने की टेक्निक सिखाई थी और दो विद्याएं सिखाई थी, पर उन्होंने कर्ण को अपनी समग्र विद्याएं सिखा दी थी जो उन्होंने शिव से पाया था। उन्होंने सब कुछ शिव से ले लिया था और कर्ण को लाके दे दिया था। अपने परशु को छोड़ करके उन्होंने कर्ण को सब कुछ दे दिया था, सारे अस्त्र शस्त्र और सभी विद्याएं। इससे हमें पता चलता है भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के लिए कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तो आपके लिए कौन सर्वश्रेष्ठ है कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल मैथोलॉजिकल डिस्कशन सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।